नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। उन्नाव बस हादसे पर सीएम योगी सख्त, डग्गामार और बिना परमिट के चलती मिली बसें तो नपेंगे बड़े अफसर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम के लिए हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। जेल से बाहर आएंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, इद्दत मामले में कोर्ट ने किया बरी। लखीमपुर खीरी के पलिया में बाढ़ पीड़ित किसानों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग। अग्निवीर मुद्दे पर भड़की मायावती, बोली अल्पकालीन भर्ती को लेकर चिंता बरकरार। शबरी के बेर लेकर अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम, पूरे कैबिनेट सहित किए रामलला के दर्शन। मध्य प्रदेश के मरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीते, कांग्रेस से धीरन शाह हार। न्यूजीलैंड भेजने का झांसा देकर जालसाजों ने बरेली के युवक से हड़पे 80 लाख रुपए, पीड़ित ने दर्ज कराई रिपोर्ट। बंगाल के बीरभूम में दुबराजपुर और चिनपाई स्टेशन के बीच ट्रेन नहीं खड़ी करने को लेकर विवाद, ट्रेन में की गई तोड़फोड़। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।